समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र की जंग के बीच आज मुलायम सिंह यादव करेंगे साइकिल पर दावा। मुलायम के साथ अमर सिंह और शिवपाल भी चुनाव आयोग पहुंचकर हलफनामा पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र के बीच का झगड़ा अब इस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां से सुलह की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, और इन खत्म होती संभावनाओं पर नेताजी मुलायम सिंह यादव के इस बयान ने बढ़ते विवाद का एक और बरक चढ़ा दिया। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हो सकता है कि मुलायम मजबूर हो या मायूस, मगर मझा हुआ नेता कम से कम भाव भंगिमाओं से तो यही जता रहा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। नेताजी समझौता होगा। रामपाल को 6 साल की लड़का तो निष्कासित दल को समाजवादी पार्टी का 9 जनवरी का 2017 का जो अध्यक्ष बनाया है अगर रामपाल जी ने वो खड़ी है। मुलायम के बयान के बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर वही बयान दोहराया, जो नेताजी कहेंगे वो मैं करूंगा। इसे सियासत समझिए या भाई के लिए भाई का प्रेम, मगर इसी प्रेम को परिवार में बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर एनडी तिवारी ने मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अखिलेश को राजनीतिक विरासत सौंप दे। मगर इस पूरे गृह युद्ध के केंद्र में जिस शख्स का नाम है वो है अमर सिंह, और अमर सिंह ने एक बार फिर अखिलेश पर शायराना आग उगली है। लोग तो बड़ा साफ जानते हैं कि विवाद की जड़ अमर सिंह है, अगर अमर सिंह जी हट जाएं बीच से तो विवाद अपने आप खत्म। अमर सिंह पर तीखे तेवर सिर्फ नरेश अग्रवाल के नहीं है, राम गोपाल यादव की भाषा में भी कमोबेश उतनी ही तलखी है। असल में अमर सिंह और एक आध लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ और नेताजी के साथ जो किया है वो अक्षम्य अपराध है। नेताजी जैसे देश के शानदार नेता को अपमानित करने का काम अगर किया है किसी व्यक्ति ने तो वो है अमर सिंह और एक दो पार्टी में हमारे और लोग हैं। लखनऊ में मची महाभारत के बीच आज मुलायम सिंह यादव साइकिल पर दावेदारी ठोकने के लिए चुनाव आयोग में हलफनामा देंगे। इससे पहले राम गोपाल यादव अखिलेश के पक्ष में पार्टी के 212 विधायकों के समर्थन का दावा चुनाव आयोग के सामने कर चुके हैं। कुल मिलाकर पिता पुत्र के बीच मची महाभारत में अखिलेश पक्ष अमर सिंह को शकुनी मान रहा है, मगर मुलायम पक्ष अपना सबसे बड़ा हितैषी। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, मगर इतना जरूर है कि जंग। सब कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।